अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे भाभी जान सुपर इजी वे में नींबू का अचार बनाने वाले हैं। और ये सारे नींबू में जो ट्री था उसके थे, थोड़े से पके हुए थे और थोड़े कच्चे। और इन कच्चे नींबू को हम अच्छे से निचोड़ के रस बनाकर अचार में डालेंगे। और इस अचार में हम थोड़ा सा साल्ट यूज करेंगे और साथ में कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर को हमने लिया है, इसको हम लास्ट में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इतने ही इंग्रेडिएंट से हम नींबू का अचार इजी वे में बनाएंगे। तो पहले हमने पके हुए नींबू को अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। क्लीन किए हुए नींबू को हमने साइड में रखा है। अब इन नींबू के ऊपर जो भी पानी था, एक कॉटन क्लॉथ लेकर अच्छे से ड्राई करना होगा। इसी नींबू से हम अचार बनाने वाले हैं। पानी का एक बूंद भी इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा भी पानी रह गया तो अचार जल्द ही खराब हो जाएगा। इस वजह से हमने नींबू को अच्छे से पानी सूखने तक साइड में रख दिया है। आप चाहे तो फैन में भी सुखा सकते हो। अब यहाँ पर भाभी जान एक नींबू को लेकर दो हिस्सों में कट कर रहे हैं। एक नींबू से लगभग 7 से 8 पीसेस को कट किए थे। भी नींबू को हमने एक साइज में कट कर लिया है। अब इसमें रस ऐड करेंगे, जिसके लिए पहले इन कच्चे नींबू को थोड़ा सा साफ करना होगा, जिससे इसके अंदर के रस को अच्छे से निचोड़ सके। आप पके हुए नींबू को भी ले सकते हो, लेकिन हमारे ट्री के नींबू सभी कच्चे थे और वो पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीडियो शूट भी करना था, इस वजह से हमने थोड़े कच्चे नींबू लिए थे, लेकिन हम इसका रस ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर भाभी जान ने साफ किए हुए कच्चे नींबू का रस इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो इसके अंदर जो सीड्स है उसको साइड कर सकते हो। सभी नींबू के रस को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा टर्मरिक ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा और टर्मरिक को ऐड किया है सिर्फ कलर के लिए। और इसमें 3 स्पून साल्ट को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर इस ग्रेवी को 3 डेज तक रूम टेम्परेचर में रख देंगे, क्योंकि नींबू के शाखों को अच्छे से गलना होगा। तो फ्रेंड्स, 3 डेज के बाद हम इसको ओपन करके देख रहे हैं। नींबू के सभी शाख अच्छे से साफ और गल चुके हैं। अभी तक हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर को ऐड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, 3 डेज सोक होने के बाद हम इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर को ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो नॉर्मल चिल्ली पाउडर को भी ऐड कर सकते हो। 2 बड़े चम्मच रेड चिल्ली पाउडर को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये रेडी हो चुका है। एयरटाइट जार में आपको स्टोर करना होगा। इजीली आप 3 से 4 मंथ्स तक फ्रिज में प्रिजर्व करके खा सकते हो। फ्रेंड्स, देखते ही देखते हमने कितना इजी वे में कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ नींबू के अचार को बनाया है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।